मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं सई? तुमने हमारी वीनू की जान बचाई। एक पल के लिए लगा था जैसे हमने हमारे वीनू को, अगर वीनू को कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर जाती। मेरी सासे लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सई। मैंने सब वही किया जो हर माँ करती, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच सई, तुमने शायद वीनू की जान बचाई होगी, लेकिन वीनू के ऊपर खतरा भी तो तुम्हारी वजह से ही आया था ना। क्योंकि अजय कामले की दुश्मनी भी तो तुमसे ही थी ना। होश में हो पत्रलेखा? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? हाँ काकू, मैं तो होश में ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी आंखों से भी पर्दा हटे और आप भी होश में आए और आप देखें कि इस सही की वजह से आपका पोता आज मौत के मुंह तक पहुंच गया था। और आप इसे मां कह रही हैं? इसे? अरे एक मां तो अपने बच्चे को हर खतरे हर तकलीफ से दूर रखती है, ना कि उसे खतरे के मुंह में झोंक देती है। इस सही की तो हमेशा से दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत रही है। इसे इसकी जिंदगी में जो करना है ये करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज इसकी वजह से मेरा बच्चा मरते मरते बचा है और मैं इसके लिए कोई सही पुराण नहीं गा सकती। इसीलिए सही को अभी इस घर से निकलना होगा। आज तो मेरा बच्चा मरते मरते बच गया, लेकिन खुदा ना खास्ता आगे से कभी उस पर कोई खतरा मंडराया, कोई तकलीफ हुई तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं किसी को भी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए सई को अभी इस घर से जाना होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम पाखी? तुम्हें लगता है कि वीनू के ऊपर ये जो खतरा आया है वो सई की वजह से आया है? पाखी मुझे एक बात समझा दो, मैं एक पुलिस वाला हूं, 50 लोगों के साथ मेरे झगड़े होते हैं। कभी अगर मेरी वजह से वीनू के ऊपर या परिवार में किसी के ऊपर भी ये खतरा आता है तो क्या मुझे भी घर से निकाल दोगी? मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है, लेकिन जो मुसीबत से बचाए उसे रक्षक कहते हैं। और तुम्हें सई को थैंक यू बोलना चाहिए पाखी, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर वीनू की जान बचाई है। और तुम सही को इस घर से बाहर निकालने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब सही रहेगी कहाँ पर? जवान निवास में, हम सबके साथ। क्या? विराट, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। मेरी बच्ची अब अपने पिता से दूर नहीं रहेगी, मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगी। क्या कहा? मैं और ये सही एक छत के नीचे रहेंगे? नहीं पाखी, सवी और वीनू अब अपने बाबा के साथ ही रहेंगे और उसके लिए जिन जिन को एक साथ आना है आएंगे। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने नहीं देखा आज क्या हुआ? मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और तुम्हारे बेटे का क्या, उसकी परेशानी का क्या? मुझे लगता है पत्रलेखा ठीक कह रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। कोई वीनू से तो पूछो कि वो क्या चाहता है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर आंटी यहाँ हम सबके साथ रहे। वीनू, आप रहेंगी डॉक्टर आंटी? हाँ बड़ा, मैं यही रहूंगी आपके पास। पापा के आशीर्वाद से त्योहार के दिन इतनी बड़ी अनहोनी होते होते रह गई। ये पापा की कृपा ही तो है जो हम सब सही सलामत है। हो ना वहिनी, अगदी बरोबर बोलला। देख रही ना अश्विनी, सारा दिन होली खेलने के बाद भी इन दोनों का मन ही नहीं भर रहा है। दोनों एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। आई, मैं वीनू दादा की बेडरूम में सोता हूँ। बिल्कुल, इसमें आई से पूछने की क्या बात है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सही भी तुम लोगों के साथ सो सकती है। क्यों सही, तुझे मीनू के कमरे में सोने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बच्चे आराम से बेड पर सो जाएंगे और मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाऊंगी। ये हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे, बहुत मजा आएगा। हम खूब मस्ती करेंगे। आया, तुम्हें स्टोरी तो सुनाओगी ना? नहीं, नहीं मतलब वीनू मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा, बाकी जिसको जहां सोना है वो वहां सो सकता है, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास ही सोएगा। एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी पाखी, इस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए सही और सभी का इस घर में रहना जरूरी है। और आज अगर ये दोनों वीनू के साथ रह लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? पत्रलेखा, मैं इस घर में बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए प्लीज तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त जहाँ तुम खड़ी हो ना, वहां से ये सब कहना बहुत आसान है। एक बार तुम मेरी जगह खड़ी रहकर देखो, अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होती और विराट इतने ही हक से मुझे वो सब कुछ देता जो उसने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम मुझसे ये सवाल कर भी कैसे सकती हो पत्रलेखा? जो बात तुम मुझसे सोचने के लिए कह रही हो वो मेरे साथ हो चुकी है। मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया था जब विराट ने मेरे खिलाफ जाके तुम्हारा साथ दिया था। अब इतने सालों बाद अपने बच्चों को अपने पास देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने मुझे सारी खुशियां वापस कर दी हो। मैं इस घर में सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ। प्लीज तुम बाकी हर चीज को लेकर निश्चिंत रहो। मेरा प्यारा बच्चा, चलो अब जल्दी से सो जाओ। को मीनू, कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं सविक को ये नाइट सूट देने जा रहा हूँ। उसका तो नाइट सूट आउट हाउस में जल गया होगा ना मम्मा, इसलिए उसको ये देने जा रहा हूँ। पापा, आप कल सविक के लिए न्यू ड्रेसेस ला रहे हो ना? ऑफ कोर्स बाड़ा, जरूर लाऊंगा। अब क्या तुम भी नाइट ड्रेस देने जा रहे हो? आई मास्क देने जा रहा था मैं। वो क्या है ना, वीनू के रूम में सुबह सुबह धूप आती है, नींद खराब हो जाती है, तो जब भी मैं वीनू के रूम में सोता हूँ तो ये लगा के सो जाता हूँ। सोचा मैं उन्हें भी ये दे आऊँ। आई होप इसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं विराट, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मुझे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी जब तुम नशे की हालत में सई को बार बार अपनी बीवी बता रहे थे, है ना? क्या और अब बहाने करके उससे मिलने जा रहे हो, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, है ना? गलत तो मैं हूँ, हमेशा मैं ही गलत करती हूँ, मेरी तो सोच ही गलत है। सही कह रही हूँ ना मैं? लाख गुस्सा हो लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता, सही हमेशा जिंदा रहता है। भाई दो विराट, मैं भी तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी दर्द होता है। For God's sake विराट, मुझे पत्थर समझना बंद कर दो। अरे सभी ऊपर से नारा कौन मांगता है? कौन हंस रहा है मेरी सभी पर? पुलिस वाला हूँ, अंदर कर दूंगा सबको। हाँ पापा, अब आए और मीनू दादा को अंदर कर दो। अगर इन दोनों को मैं अंदर कर दूंगा तो आप यहाँ अकेले अंदर सो जाओगे? अच्छा ठीक है पापा, आप इन दोनों को कल सुबह कर देना, अभी रहने दो। अच्छा कल सुबह? हाँ। कल सुबह? हाँ। अच्छा अच्छा, बाय द वे कल सुबह मैं आपको शॉपिंग ले जाऊंगा, फिर देखते हैं आपकी आई और आपके दादा आप पर कैसे हंसते हैं। ठीक है, अभी सो जाओ। ठीक है? हाँ वैसे सो जाओ, लेकिन बाड़ा आपने सोचा कल सुबह शॉपिंग में जब जाएंगे तो आप क्या लोगे? नहीं पापा, अभी तक कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा है? तो सोचो, अभी सोचो। हाँ सोचो, सोच के आराम से कल बता देगी सुबह। सुबह? हाँ सुबह। हाँ सुबह भी ठीक है वैसे, लेकिन बाड़ा आप मुझे वो अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे ना, वो याद है वो दोस्त? दोस्त के बारे में? कब? वो पिछले हफ्ते बात कर रहे थे हम। मैं बिजी था, मैं सुन नहीं पाया था, तो इस हफ्ते बता दो। पिछले हफ्ते दोस्त कितना? ये भी कोई समय है? उठो, ये भी कोई समय है बात करने का? हाँ कल सुबह आराम से पूछ लेना। नहीं गिरेगा। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बोलना चाह रहा था मैं। ये जो रूम है ना, ये कमरा बीनू का है। सबको पता है, पर इसकी एक प्रॉब्लम रही है पहले से। खिड़कियां है ना, खिड़की तो हर रूम में होती है, तो खिड़की में से सनलाइट आती है, क्या बोलते हैं उसे? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी बहुत आती है यहाँ पर सुबह, और बहुत डिस्टर्ब करती है, नींद खराब कर देती है। तो ये आई मास्क लेकर आया था। दे दिया? हाँ। अब हम सो जाए? हाँ सो जाओ। बड़ा वो क्या कहते हैं, वो स्कूल में कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बराबर है? पता है मुझे, इसीलिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब है, ये जो खिड़की की बात की ना मैंने, तो प्रॉब्लम था ना, एक और प्रॉब्लम है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.